हाय एवरीवन मु लिपुन आपण मानको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुची। आज गोटे समस्त बहुत बढ़िया बिजनेस रही जो बिजनेस को करके आपण माने 50,000 रु लक्ष टंका पर्यंत इनकम करिपारिबी। तो बिजनेस रो नाम रहुची ग्रोसरी बिजनेस बा तेजराती दुकान। तो तेजराती दुकान रो सबुबेले डिमांड थाए कारण लोक माने निजर दैनंदिन जीवन रे जहाँ भी सब व्यवहार करिथांती सब ग्रोसरी जिनसे मिली थाए। तेणु आपण माने ग्रोसरी दुकान जदि करुचंती निहाती भाबे चालिबो, हुए तो स्लो स्लो चालू किंतु निहाती चालिबो। तो आपण माने सेतिपई केते टका इन्वेस्ट करिवे, निज बिजनेस को किपरि बढ़ेबे, संपूर्ण डिटेल्स वीडियो रे आपण मानकु कहिबी। ता पूर्वरु समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरतिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफर्मेशन रहिबा आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो देखंतु ग्रोसरी बिजनेस करिबा पई आपणकु टिक अधिक इन्वेस्टमेंट करिया पई पड़िबो। एटा होची इन्वेस्टमेंट बिजनेस आपण माने कहि परिबे, कारण आपण माने जदि कम इन्वेस्टमेंट करुचंती ताले आपण माने बेसी दिन से रखि परिबेनी। ओके, बेसी दिन से रख परिबेन, लोक भी आपण को दि कम आसीबे, आपण मा चाहिले मध्य छोटकोटिया रु स्टार्ट करि परिबे। किंतु मु सजेस्ट करिवि प्रायत छोटकोटिया रु स्टार्ट करले भी आपण माने प्रायत दिन से जोटा दैनंदिन जीवन रे निहाती दरकार प्राय दिन से रखिया पई चेष्टा करंतु। तो ग्रोसरी बिजनेस करिबा पई आपण को प्रथमे त गोटे दुकान नबा पई पड़िबो। आ दुकान सही भला जगह रे नुअंतु जो भला जगह रे लोक बहुत होउचंती, हुए तो जोटी पनीपरिया दुकान अच्छी। ओके, जोटी पनीपरिया बिक्री हो आप मार्केट उपरे नियंतु जमी लोकंर नजर पड़ो लोक जमी से गोटे कि धर पनीपरिया नौकर ग्रोसरी आती अधिक दूर जी कि पाखर नहीं जी। तो से ही जगार जब ग्रोसरी दुकान हुए तो बहुत बढ़िया चलो। आ ग्रोसरी दुकान आपण मैंने बहुत सारा जिनस रखिपारे जमी आलू पिज रसुण एगुड़ा तो कमन जिनस रखिए, ता सहित ग्रोसरी आइटम आपण मैंने रखिपारे। तो बिजनेस को आपण माने किपरि बढ़े मुझे कहूँ देखूँ बिजनेस को बढ़ाया आपण को किसी भी गोटे अफर रखापी पड़ो कारण नुआ बिजनेस ना। तो किसी अफर रखिए सहित आपणकर जो दुकान जो टेम्पलेट टेम्पलेट आपण मैंने चारि जगार जो जगार लोक सराउंडिंग होती जो जगार लोक अधिका होपण मैंने से जगार निजर गोटे टेम्पलेट बनईकि से जगह सब चिपके दिंतु। तो जहाँफल लोक देखिए ये गोटे ग्रोसरी दुकान अच्छी जे एत किलो डाली ने यहाँ फ्री चीनी डे फ्री आपण मैंने देखिए मल जाऊँ जो भाला विशाल बिग बजार से कौन हो तो आपत जदि एत टकर जिनस नौकरी आपन को चीनी फ्री जहाँफल लोक कौन अधिका जिनस कि से ही आपण मानक दवापी पड़ो। तो जोटा गाँ गली ग्रोसरी दुकान एवं करूना। ओके, तेणु आपण मैंने किसी यूनिक करेंगे तो बिजनेसटा कौन आपण आगू ग्रोथ हम जदि किसी यूनिक न करेंगे तो बिजनेस तो चलो। ग्रोसरी दुकान कले बिजनेस निहाती भाव चलो किंतु धीरे धीरे चलो आपण को कारण नुआ खुलचंती कारण जिनस लोक जोठू जिनस नौ थुले तो सी तो सही जिनस ने सी आपण कौन जी तेणु आपण को किसी अफर देवाई पड़ो किसी भल नुआ सर्विस देवाई पड़ो जोटा लोक मैच कर सहित आपण मैंने चेष्टा करेंगे जो प्रडक्ट आपण मैंने बिकुंट ग्रोसरी आइटम आपण मैंने देखिए जो पाख दुकान जहाँ भी रेट लगे आपण मैंने चेस्टा करेंगे आपण मैंने किसी कम्रे ना कम्रे देवाई जहाँफल कस्टमर ग्राहक भिड़ लगे आप विश्वास करेंगे आजिकल जो भी शस्तार मिलूँ लोक मैंने से जी ताने नुहे आपण मैंने खराब जिनस देदेवे भल जिनस देवे टी शस्तार देवे मैंने जो लाभ रखुं अधिका टी कम रखिए जहाँफल लोक आपण सहित जयंट होता सहित गोटे कथा आपण मैंने समस्ते मन रखे जो मैंने ग्रोसरी सप कर तो देखूँ गोटे जिनस परमानेंट आपण मैंने कस्टमर सहित किपर बिहेव करके जदि आपण मैंने कस्टमर सहित बिहेव ठीक करूना। ओके, धर किए गोटे जिनस ग्रोसरी सप आपण मैंने कर कस्टमर आसला गोटे जिनस नहीं थे कस्टमर कहला जो मुझे एग्जाम्पल दूसरी आपण मैंने बुझीपरि एक्चुअली मुझे ग्रोसरी दुकान को जाइली तो मुझे जिनस आने जाइली। ओके, तो सही आउ गोटे लोक भी जाइला तो सीए ग्रोसरी दुकान को मागिला किसी गोटे जिनस मागिला। ओके, सीटू दे देखि तार ग्रोसरी दुकान रेट पकईदेला एति टाँगा एति टाँग दि सही कस्टमर कहला ये बात एति टाँग कम थी से ग्रोसरी दुकान कहला तुम गाँव रूच कि कहला मैंने बहुत कमेडी जिनस मुझे ये थी मत लगुला इमि कौन मानने बिहेव करुच्चे ग्रोसरी दुकान। ओके, मैंने बहुत रियुड बिहेव मानने मानने सेल्फिश बिहेव टाइप रके ने ने पड़ा से भाला टाइप्र तो मुझे अलग जिनस आते जा तो मुझे आनी आसली किंतु जहाँ भी लक्ष्य कली से ग्रोसरी दुकान से जो कस्टमर सहित जो बिहेव कला। ओके, तापर से कस्टमर कौन से ग्रोसरी दुकान को जीव कि कहतु कारण ग्रोसरी दुकान बहुत अच्छी सी से दुकान कौन जीव
ଓକେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଶସ୍ତାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓକେ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିହେଭ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିହେଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଓକେ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ କମିଯିବେ, ନିହାତି ଭାବେ କମିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଭଲସେ ବିହେଭ୍ କରିବେ, ଭଲସେ କଥା ହେବେ, ଓକେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଜଣେ ପଚାରୁଛି ରେଟ୍ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝେଇବେ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟମର ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଉଥିବ, 10ଟା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିହେଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିହେଭ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ନେ 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 ପଳା ଅଲଗା ଦୋକାନ ଦେଖ, ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ କହିବେ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟମର ବହୁତ କମିଯିବେ। ସିଏ ତ ଯିବ, ତା ସହିତ ସିଏ ଯାଇକି 10 ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ କରିଛି ଫାଲତୁ ଦୋକାନଟା, ଓକେ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କାରଣ ବିଜନେସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆଜି କରିକି କାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଓକେ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଜୀବନସାରା କରିବେ ତ ନା, ତ ଜୀବନସାରା ଯେହେତୁ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ କାହିଁକି ଆପଣଉଛନ୍ତି? ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଖରାପ ବିହେଭ୍ କରିଦେବେ, ସେ କଷ୍ଟମର ଜୀବନସାରା ଆସିବନି, ଓକେ। କାରଣ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଲାଣି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କଥା, ସେଇ ବିଜନେସ୍ର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଥିଲା କି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଯାଇ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ବିଜନେସ୍ର ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକ ଯଦି ଏଠୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ସେଠି ଗଲେ, ସେଠି ନ ପାଇଲେ ସେଠି ଗଲେ, ଲୋକଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ ଦରକାର, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ସ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ସେ କାହା ସହିତ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି, କେଉଁଠୁ ଡିଲର୍ ରଖିଛି, କେଉଁଠୁ ଶସ୍ତାରୁ ଆଣୁଛି, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ବିକିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ 50,000 ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆରମ୍ଭରୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ନଚ କରିଦେବେ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆଉ ଦୋକାନ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ କରିବେ ଯେଉଁଠି ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକା, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଅଧିକା ରହୁଥିବେ ବା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।